नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। भाई सेल चल रहा है अमेजोन पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी। फ्लिपकार्ट की मैं वीडियोस इसलिए नहीं बनाता हूँ बिकॉज मेरे पास फ्लिपकार्ट का एक्चुअली में एफिलिएट वाला जो मेंबरशिप है वो नहीं है। वहाँ पे भी अच्छे डील्स हैं, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द डील्स अ वेरी टक्कर देने वाली, बराबरी की। पर बैंक डिस्काउंट जो है वो अलग है फ्लिपकार्ट में, और वहां पे आपको HDFC वाला बैंक का डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे जनरली SBI का डिस्काउंट चल रहा है इन द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। तो SBI अगर आपके पास है, यू आर बेटर ऑफ विद Amazon। HDFC है, यू आर बेटर ऑफ विद फ्लिपकार्ट, क्योंकि जहां पे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिले आप वहीं से लीजिएगा, है ना। बट वीडियो शुरू करने के पहले आई वॉन्टेड टू मेक टू क्विक डिस्क्लेमर्स। नंबर वन, हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है ये। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, यू आर बेटर ऑफ जस्ट टेकिंग योर सेल्फ आउट ऑफ दिस वीडियो, वॉचिंग समथिंग एल्स। दूसरा डिस्क्लेमर, यहाँ पे जो भी मैं प्राइस बताऊंगा ना आपको, वो चेंज होते जा रहा है। इनफैक्ट मैं इसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि प्राइस इतना चेंज हो रहा है। जनरली मैं बोलता हूँ कि सेल आएंगे जाएंगे और उस टाइम पे खरीदिएगा, बट अभी मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको अच्छा डील मिला ले लीजिए, क्योंकि स्टॉक भी खत्म हो जा रहा है। बहुत सारे लोग मुझे एक्चुअली में कमेंट्स में बोल रहे हैं कि मैं लेने ही जा रहा था, 11:56 को स्टॉक अवेलेबल था, 12 बजे स्टॉक खत्म हो गया। आई मीन ऐसा भी मुझे कमेंट्स मिला है। तो आपको अगर डिस्काउंट्स मिले ले लीजिए। मैं सिर्फ कुछ कुछ अपने जो कम्युनिटी अपडेट्स वाले जो पोस्ट हैं उसके बारे में एक्चुअली मैं बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में, बिकॉज मैं बहुत डिटेल में ना इन सारे मॉडल्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ इन दो दो वीडियोस। अगर आपने वो नहीं देखा प्लीज जाकर के देख लीजिएगा। देखिए, मैं अपने कम्युनिटी जो पोस्ट है ना, कम्युनिटी अपडेट्स में मैं हमेशा लेटेस्ट एंड द बेस्ट डील्स अपडेट करता हूँ। जब भी मेरे को एक अच्छा डील मिलता है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो अगर यू वॉन्ट टू स्टे इन टच विद वॉट इज द बेस्ट डील अवेलेबल, प्लीज कीप इन यू नो बोल सकते हैं कीप इन टच विद मी ऑन माई कम्युनिटी अपडेट्स। तो मैंने आज सुबह सुबह जब मैं उठा था 5:30-6 बजे, मैंने कुछ कुछ डील्स यहाँ पे देखे। बाय द वे, गोवो का ये जो साउंड बार है 400 वॉट्स का है, बाय द वे इसमें भी DSP है बाय द वे, और ये 8,000 रुपये में अवेलेबल है, विच इज लाइक फैंटास्टिक, बिकॉज विदाउट अ सेल ये आपको जनरली 13,000 रुपये में अवेलेबल होता है, चाहे वो आप फ्लिपकार्ट ले लें चाहे अमेजोन ले लें। तो आपको लगभग 5,000 रुपए का स्ट्रेट ऑफ डिस्काउंट मिल रहा है, और इसके ऊपर भी कुछ डिस्काउंट्स है, बैंक का डिस्काउंट है, वो तो मैंने कंसीडर किया ही नहीं है। मैंने सुबह में एक अच्छा डील देखा, विच इज द 85 इंच XATL। अब देखिए ये XATL है, ये 82 ATL, अब बोल सकते हैं सेम है, सोनी का QLED है, एंड दिस इज फॉर 2,65,000, विच आई थिंक इज अ ग्रेट डील फॉर अ सोनी QLED एट दिस प्राइस पॉइंट, और इसमें आपको स्टोरेज भी ज्यादा मिलता है। मैंने सैमसंग की अच्छी डील देखी है, विविड एंड विविड प्रो पे भी अच्छी डील है बाय द वे, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ विविड का। विविड का यहाँ पे आपको 2,000 रुपए का कूपन मिल रहा था, यानी आपको सैमसंग का विविड टीवी जो है DUE70, दिस इज द वन विदाउट द सोलर रिमोट, DUE77 में सोलर रिमोट मिलता है आपको। पर इफ यू आर ओके विद द स्टैंडर्ड रिमोट, यार ये आपको 24,990 में मिल रहा है, क्योंकि 2,000 रुपए का कूपन डिस्काउंट है, विच इज अ ग्रेट बाय सैमसंग का टीवी है। अगर आप सोनी ब्राविया ही की X82 के 65 इंच को देख लें, दिस इज नाउ एट एन ऑल टाइम लो, बिकॉज मैंने जब अपना लास्ट वीडियो बनाया था ना उसमें अगर मैं सोनी की प्राइस दिखाऊं आपको, यहाँ पे 74,000 पे लिस्टेड था वो फॉर द 55 इंच, नोट 74,000, और अब अगर आप मेरी कम्युनिटी अपडेट्स देखेंगे, दिस इज लिस्टेड एट ऑलमोस्ट 67,000, विच मीन्स पूरा 7,000 रुपए सस्ता है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाई दिस। अगेन, ब्राविया 3 और X82L में सिर्फ क्या का डिफरेंस है? एक डिफरेंस नंबर वन है कि ब्राविया 3 में आपको दो मॉडल्स मिलते हैं, S30 एंड S30B। अब S30B जो है, जो भी बी वाले मॉडल्स हैं, चाहे वो S25B हो या S30B, या ब्राविया 2 या ब्राविया 3, उसमें मोशन फ्लो XR100 मिलता है, और जो नॉन बी मॉडल्स है यानी S30, उसमें आपको मोशन फ्लो XR200 मिलता है। सो प्लीज नोट, X82L में भी आपको मोशन फ्लो XR200 मिल रहा है, एंड मोशन फ्लो XR200 इज बेटर देन मोशन फ्लो XR100। तो मोशन की जो हैंडलिंग है दैट इज बेटर इन X82L देन ब्राविया 3 S30B। हाँ, एक चीज में ब्राविया 3 आगे निकल जाएगा, दैट इज कलर कैलिब्रेशन, और उसकी जो अपस्केलिंग है और AI से एनहेंसमेंट जो आपको मिलता है दैट इज कंपैरेटिवली बेटर। बट हाँ, प्राइस भी आप देखिए यार, अगर आप S30 की प्राइस देखेंगे, आई विल शो यू एज वेल, लेट मी गो टू Amazon एंड ब्रिंग अप
सोनी की S30 राइट नाउ एज वी आर मेकिंग दिस वीडियो, अभी के अभी सोनी S30 टीवी। S30 मैं ब्रावी S30B की नहीं बात कर रहा हूं, नॉट दिस वन, ये यूनिवर्स वाला जो ये वाला है, ये वाला नहीं, ये वाला 85,490, इसका मतलब है ऑलमोस्ट 20,000, 18,000 आप बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट 20,000, राउंड फिगर करूं ऑलमोस्ट उतने का डिफरेंस है। तो आप सोचिए मोशन फ्लो XR200 इसमें भी है और मोशन फ्लो XR200 आपका X82 में भी है। दैट्स व्हाई आई पुट दिस पोस्ट आउट, जैसे ही मैंने ये डील देखा, अभी अगर आपको खरीदना है दिस इज द राइट टाइम टू बाय इट। सैमसंग का बहुत लोगों ने मुझे निराश होकर के ये कमेंट किया था, भाई वापस 94,000 में चला गया है। इनफैक्ट जो QN95B था मैंने जब लास्ट वीडियो बनाया था अपना, एंड दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दीज वीडियोस, ताकि यू आर स्टेइंग इन टच विद ऑल द अपडेट्स। अब देखिए QN85B जो है, सॉरी नॉट 95 या 90, QN85B वाज 94,000, प्राइस उसका वापस बढ़ गया था, पर मैंने उस वीडियो में भी बोला था आपको कि वेट फॉर वन डे और टू। सो यहां पे भी मेरी भविष्यवाणी एकदम सही निकली, क्योंकि आज सुबह ही सुबह जब मैंने ये पोस्ट किया हुआ था, आप देखिए इट्स बैक टू 76,990। एक्चुअली मैं इससे थोड़ा सा कम में अवेलेबल था, बिकॉज इसका प्राइस था 79,990 जो किकस्टार्टर डील में था, और वहां पे आई बिलीव आपको 5,000 रुपए का कूपन मिल रहा था, तो आइडियली 55,000, बट दिस इज ऑल्सो गुड प्राइस, बिकॉज अगर आपके पास SBI का कार्ड है आपको एक भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा ऑन टॉप ऑफ दिस 77,000 एज वेल। सो ग्रेट डील, और अगर आपको ये टीवी लेना है ना, बाय इट नाउ, बिकॉज वाई, 1200 इंच का इसमें ब्राइटनेस है, मिनी LED टीवी है, वो भी सैमसंग का है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, HDR10 प्लस को सपोर्ट करता है, एटमॉस को सपोर्ट करता है, 60 वॉट्स का साउंड है जो एकदम धड़ाकेदार है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी है, तो इट्स अ ग्रेट टीवी। सिमिलरली मैंने सैमसंग ही की QN95B के बारे में ये पोस्ट किया। अब QN95B वाला जो सीरीज है ना, दैट कम्स विद वन कनेक्ट बॉक्स, सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, और जो भी सैमसंग फ्रेम टीवी देख चुका है उसे पता होगा कि वन कनेक्ट बॉक्स एक्चुअली में कितना हैंडी होता है। अगर आपको वन सिंपल केबल सॉल्यूशन चाहिए तो इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू, वन कनेक्ट बॉक्स दैट इज। और इसमें स्पीकर्स भी बेटर है, बिकॉज इसका चैनल जो स्टीरियो का सेपरेशन है दैट इज कंपैरेटिवली बेटर, एंड इसमें आपको 2000 निट्स तक का ब्राइटनेस मिलता है, यार इनक्रेडिबल। इसमें भी आपको 4,000 रुपए का कूपन मिल रहा था और ये 90,000 अप्रोक्सीमेटली में मिल रहा था, बैंक डिस्काउंट तो हमने कंसिडर ही नहीं किया है, and that makes it absolutely the right time to buy this. मैं finally Samsung की अगर मैं बात कर लूं, तो Samsung का ना ये frame, please note this is the LS03B model, not D. D as in Delta वाला जो model है वो 2024 का latest model है, वो नहीं है listed, पर having said that, Samsung का LS03B में भी आपको मैट पैनल मिलेगा, जो आपको 2024 वाले model में भी मिलेगा, brightness लगभग बराबरी की है, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपको हर एक लेटेस्ट टीवीज में मिलेगा, जो 2023-2024 के मॉडल्स है ना, उसमें बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है AI के कारण अपस्केलिंग, कलर एनहांसमेंट थोड़ा सा बेटर हो गया, तो द सेम अप्लाइज इवन फॉर फ्रेम 2024। ये 2022 वाला मॉडल है एंड दिस इज द लोएस्ट दैट आई हैव सीन इट एट। इनफैक्ट अभी मैं चेक करता हूँ प्राइस क्या सेम है कि उतने पे ही है, हाँ 2000 रुपए का कूपन है भाई, तो 79,000 में मिल रहा है। I've never seen this go below 80,000 for the 55 inch. तो this is a great TV. लगभग 550 nits की brightness तक ये पहुंच पाता है। HDR 10 plus है, Dolby Vision नहीं है इसमें भी। But please note कि इसका जो backlighting है, that is not D-LED, it is edge-lit. So ये, this is not a mini LED, it is an edge-lit TV. But please note, Samsung and LG के जो edge-lit panels होते हैं, उनमें implementation edge-lit backlighting की काफी अच्छी होती है। तो वो आपको ध्यान में रखना है व्हेन यू आर एक्चुअली लुकिंग एट सैमसंग फ्रेम, दैट दिस इज 2022 मॉडल एंड एज लिट बैकलाइटिंग। अब देखिए अगर आपको बजट ब्रांड्स में से Xiaomi की ही टीवी लेनी थी, देन उनका जो A Pro है, दिस इज नॉट देयर QLED, क्योंकि QLED इज X Pro, और एक और मॉडल है उनका विच इज द X सीरीज, दिस इज द A Pro। अब इसमें आपको बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा था, उसमें सारे फीचर्स है अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ QLED जो आपको X Pro में मिलता है, पर इसमें एक प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, वो है 8GB का इंटरनल स्टोरेज, क्योंकि इसमें पैच वॉल है, इसमें Google 14 है, तो दैट विल मेक द होल OS जो है काफी हैवी। 8GB का जो स्टोरेज है ना, इनको एटलीस्ट 16GB देना चाहिए था, पर
इवन आफ्टर आई एम सेइंग दैट, अगर आप सिर्फ ओटीटी एप्स देख रहे हैं जैसे प्राइम, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, सोनी लाइव, यू आर गोना बी फाइन विद 8 GB. और हाँ, आपको मेमोरी कैश क्लियर करते रहना पड़ेगा, बट प्लीज नोट यार, ये 2024 का लॉन्च है और ये आपको मिल रहा है विद अ कूपन डिस्काउंट फॉर ओनली 20,500 रुपीस. Xiaomi की टीवी है, पैच वॉल है, एंड आउट ऑफ ऑल द बजट ब्रांड्स आई थिंक Xiaomi की आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट इन ऑल द बजट ब्रांड्स, मैं कहूंगा. एंड फाइनली आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट Toshiba की M550 MP. मैं इसके बारे में ज्यादा वीडियो बनाए नहीं हूं अनफॉर्चुनेटली, पर मैं आपको ये बता दूं, बहुत लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि मुझे क्या TCL का C61B लेना चाहिए या Acer का सुपर सीरीज लेना चाहिए या P71B Pro. अब देखिए, ये तीनों टीवी जो मैंने अभी लिस्ट किया ना, इन तीनों टीवीज में से किसी में भी फुल अरे लोकल डिमिंग नहीं है जो इसमें है M550 MP. और उसी के कारण अगर इसका 55 इंच का भी अगर मैं प्राइस देख लूँ ना, इवन इफ यू आर गेटिंग इट एट 41,000, और अगर मुझे TCL की जो C61B है वो अगर 37,000 में मिले, यानी 4,000 रुपए का फर्क है, आई विल स्टिल रेकमेंड गो फॉर दिस, क्योंकि इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है जो HSR 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होता है Hisense TVs में, बहुत ही सिमिलर अल्टीमेट मोशन 120 हर्ट्ज वो बोलते हैं यहाँ पे, VRR का सपोर्ट है, इसमें डॉल्बी विजन भी है, इसमें HDR 10 प्लस भी है बाय द वे, हाँ वो भी नोट कीजिएगा, 49 वॉट्स के स्पीकर्स भी है, गूगल टीवी भी है, हाँ इट्स एंड्रॉयड 11 बेस्ड गूगल टीवी, सो इट्स स्लाइटली ओल्डर. TCL में आपको एंड्रॉयड 12 बेस्ड गूगल टीवी OS मिलता है, बट हे, गूगल टीवी OS है यार, 2 GB का रैम है, 16 GB का स्टोरेज है, पर मोस्ट ऑफ ऑल द एप्स दैट यू वॉन्ट यू विल फाइंड ऑन दिस, और इसमें भी वो अल्टीमेट मोशन 120 हर्ट्ज है, पर इसमें आपको फुल अरे लोकल डिमिंग मिलता है. सो अगर आप मुझे पूछेंगे कि पंचीमैन आप क्या लेते, TCL, P71B Pro, C61B या Acer Super Series या M550 MP, I would go with M550 MP. एक और ऑप्शन है विच इज द M650 MP, ये एक मिनी LED टीवी है, इनफैक्ट ये भी आप ले सकते हैं, इसमें पहले फायर टीवी आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है, इसलिए इसका प्राइस जो है 39,999 है. बहुत लोग हेजिडेंट है ये मॉडल खरीदने के लिए, आई टेल यू टू रीजंस व्हाई, बिकॉज नंबर वन, डिक्सन मैन्युफैक्चर करता है ये, अगर आप फ्लिपकार्ट सॉरी अगर आप अमेजोन से लेंगे, डिक्सन के कुछ बैचेस में प्रॉब्लम था, बट इट्स नॉट लाइक सारे M650 MP में प्रॉब्लम है. दूसरा, अ लॉट ऑफ पीपल हैव कंप्लेन अबाउट HDR परफॉर्मेंस ऑफ दिस टीवी, वो देखिए विडा टीवी में एक प्रॉब्लम है जो E7 के प्रो में भी है, जहां पे आप when you switch between Dolby Vision content ना, जो स्क्रीन होता है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है. द सोल्यूशन भी मैंने अपने वीडियो में बताया हैंड्स ऑन कि आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है विच इज सॉफ्टवेयर बेस्ड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड. बट यार जनरली आई जस्ट कनेक्ट माई PlayStation 5 या माई PC टू माई TV एंड आई वॉच इट, मेरे पास Apple TV भी है और उसमें मुझे इतना प्रॉब्लम महसूस नहीं हुआ. विडा टीवी OS पे जब आप टीवी को कंज्यूम करेंगे, आई थिंक यू विल फेस दैट प्रॉब्लम, सो वो एक इशू है इसमें. और अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें 4 GB का रैम है, पर दिस इज मिनी LED टीवी, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं, बहुत ही तगड़ा टीवी है, प्लीज कंसिडर दिस. और दूसरे जो मॉडल्स है वो तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में कवर कर ही दिया है यार, Hisense के, TCL के एंड ऑल दैट स्टफ, प्लीज गो एंड वॉच दी अदर वीडियो ऑफ माइन, मैंने कुछ की हाईलाइटेड पॉइंट्स दिया हुआ आपको कि व्हाई आई एक्चुअली रेकमेंड दीज टीवीज एंड व्हाई यू शुड बाय इट. आप उसके प्राइसेस भी कंपेयर कर सकते हैं विद द प्राइसिंग टुडे. बाय द वे, LG का A3 OLED इज स्टिल लिस्टेड एट 79,990 एंड इट इज अ ग्रेट बाय, 60 हर्ट्ज का पैनल है, बट LG का A3 OLED है विच इज अ 2023 वाला मॉडल, ये भी आप ले सकते हैं. वाई बाय Xiaomi का OLED फॉर 60,000 व्हेन यू कैन गेट LG का OLED फॉर 80,000. इसमें पिक्सल रिफ्रेश टेक भी आता है विच हेल्प्स अवॉइड द स्क्रीन बर्न इन रिस्क, ध्यान रखिएगा. तो आई वॉन्टेड टू मेक अ क्विक वीडियो, एंड अगेन आप प्लीज मेरे कम्युनिटी अपडेट्स को देखिएगा, क्योंकि यहां पे मैं सबसे बेस्ट डील्स एक्चुअली मैं डालता हूं. आप इन लिंक्स को क्लिक करके जब इन टीवीज को परचेस करेंगे, मेरे चैनल को एक सपोर्ट मिलेगा, एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर डूइंग दैट, क्योंकि उसी वे में मेरे चैनल पे मैं कुछ पैसे बना सकता हूं, जिससे मैं प्रोडक्ट्स लेकर के आपको एकदम अनबायस्ड यूजर रिव्यूज ला करके दे सकता हूं अपने चैनल पे. तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन दीज लिंक्स. प्राइस आपके लिए सेम रहेगा, क्योंकि जो सेल का प्राइस है वही आपको मिलेगा, पर हाँ मुझे और मेरे चैनल को आपके तरफ से सपोर्ट मिलेगा, एंड मैं अपने दिल से
आपका शुक्रिया अदा करता हूं फॉर दैट इन एडवांस फॉर क्लिकिंग ऑन दीज लिंक्स एंड बाइंग इट। तो अगर आपकी कोई सवाल है इन टीवीज को लेकर के जो मैंने आज डिस्कस किया है, कोई भी दूसरे टीवीज को लेकर के, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। जाने के पहले सेम ओल्ड मैं बोलूंगा, लाइक सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को और साथ ही में घंटी यानी बेल आइकन वो भी दबा दिए ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। नाउ दैट सेड इट्स अ रैप फॉर दिस वन, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।